तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और आज हम लोग अपनी इस करंट अफेयर की सीरीज में आर्थिकी पढ़ेंगे। करंट अफेयर में सबसे कठिन टॉपिक होता है, विद्यार्थियों को सबसे कठिन टॉपिक लगता है, इसको छोड़ देते हैं लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि विजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह 12 जुलाई को भारत ने केरल के, नाम याद रखिएगा, केरल में है ये बंदरगाह, कि विजिनजाम में अडानी समूह के नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया, जिससे देश के समुद्री रसद उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा आगे जान लेते हैं। तो 11 जुलाई को पहला मदरशिप सैन फर्नांडो, इसका नाम था, विजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा और 4 टगों द्वारा उसे जल सलामी दी गई। विजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर विजिनजाम में स्थित है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है, जो मूल के लिहाज से व्यापार का लगभग 70% होता है। ये लाइन आपको नहीं भूलनी है। आगे बात करें तो अगली न्यूज है कि भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना। हाल ही में देखिए, एक केरनी और अमेजॉन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक के तहत से जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उसमें बताया गया कि भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। अब भारतीय यूपीआई जो है, इसकी शुरुआत, डेट आप याद रखिए, 11 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अगर 2023-24 की तुलना करें तो इस आधार पर जो यूपीआई से लेन देन में वृद्धि की बात करें, 138% बढ़ा हुआ है। ये मामूली बात नहीं, 138% की वृद्धि देखी गई है। अगली न्यूज है कि एडीबी द्वारा, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7%, मतलब ये पहले भी 7% बताया था इसने, जीडीपी वृद्धि दर होगी, अब भी 7% बताया है, वही आगे लिखा हुआ है। एडीबी ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य में जो है रिपोर्ट में 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी जो है 7% पर बरकरार रखी है। अब जान लीजिए, आईएमएफ ने भी 7% बताया है, लेकिन जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने भारत की वृद्धि दर 7.2% बताया है। इन तीनों का याद रखिएगा, तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ें तो भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य जो है ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2 जुलाई को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस धनराशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वह 2017 का उद्देश्य जो है सभी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। अब थोड़ा एडीबी के बारे में जानेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसको नहीं भूलना है। इसमें वर्तमान में 68 सदस्य अभी शामिल हैं, जिनमें से 49 जो हैं एशिया हैं, एशियाई क्षेत्र से देश हैं। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मासातुसुगु आसाकावा इनका नाम है। ये जापान से संबंध रखते हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, आप लोगों को पता ही होगा। मनीला में ही एक जगह है, अगर ऑप्शन में मनीला ना दे, मांडुलियांग दे दे, तब भी आपको याद रखना है, मांडुलियांग में इसका जो है मुख्यालय है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो जा रहा है दोस्तों। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझाव से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।